बिलासपुर जिला के घुमारवी थाना पुलिस ने पंजाब के पठानकोट से महिला जेब कतरियों का गिरोह पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें चार महिलाएं शामिल हैं। यह महिलाएं भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाएं लोगों की जेब से पैसे उड़ा लेती थी। डीएसपी घुमारवी ने पत्रकारों को बताया कि तीन दिन पहले दकड़ी चौक के पास एक वृद्ध की जेब से दो महिलाओं ने 43,500 रुपए पर हाथ साफ किया था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई थी। पुलिस के सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर उसमें एक गाड़ी नजर आई, जिसे पुलिस ने ट्रेस किया और यह गाड़ी पठानकोट की थी। पुलिस टीम पठानकोट रवाना हुई और पूछताछ के बाद महिलाओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि यह महिलाओं का गिरोह है, जिसमें चार महिलाएं शामिल हैं। यह सभी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। तारीख को यहाँ घुमारवी में दकड़ी चौक के पास एक बुजुर्ग हैं कंप्लेनेंट, उनके जब वो बस में चढ़ रहे थे तो दो लेडीज ने उनका पर्स से लगभग 43,500 रुपये चुरा लिए थे। इसमें हमें इसमें 10 तारीख को FIR रजिस्टर की और FIR रजिस्टर करने के बाद हमने CCTV फुटेज खंगाली, जिसमें देखा कि किस तरह की लेडीज़ हैं, उनकी क्या वेशभूषा है। जब चेक किया हमने CCTV फुटेज को तो हमें एक उसमें गाड़ी की फुटेज मिली, जिसका नंबर हमने ट्रेस किया और पता किया तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से इनपुट लिया हर पुलिस स्टेशन से, तो हमें पता लगा कि ये गाड़ी पठानकोट की है और इसलिए हमने वहाँ टीम लोगों को सर्च करने के लिए पठानकोट भेजी। तो पठानकोट में ही हमें गाड़ी भी आइडेंटिफाई हुई और हमारी टीम ने गाड़ी के साथ चार लेडीज़ का ये ग्रुप है और एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी स्विफ्ट डिज़ायर को हमने रिकवर कर लिया है और चार लेडीज़ को भी हमने अरेस्ट किया। ये चारों लेडीज़ बेसिकली मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, इनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल है और इनका काम यही है कि बसों में ये लोगों के पर्स चुराती हैं और लगभग डिफरेंट स्टेशन जो एनएच पे बसे हुए शहर हैं, हमीरपुर, नदौन, ज्वालाजी, कांगड़ा, यहाँ तक जाती हैं और टैक्सी हायर करके ये चोरियाँ करती हैं और चोरी की वारदात करने के बाद ये वापस पठानकोट चली जाती है और लगभग ये 12 घंटे में आना जाना इनका होता है, एक दिन में ये सारे इस को काम को अंजाम देते हैं। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।